मुनीश्वराय नमः ओम श्री दुर्गा रूपाय नमः ओम श्री महामुनीश्वराय तुम्हारे कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी बड़े जोरों से चल रही है। लगता है तुम फर्स्ट प्राइज लेकर ही रहोगी। कोशिश तो कर रही हूँ, देखिए क्या होता है। ये तो खून है इंसाफ का, कत्ल है कानून का, अन्याय कबला के साथ। देखा तुमने? अरे वो बेचारी कमला, सारी दुनिया जानती है कि दहेज कम लाने के कारण उसके सास ससुर उसका पति कितना जुल्म करते थे उस पर, और किस तरह उस पर घासले डालकर जिंदा जला दिया। और ये एडवोकेट बंसीलाल, वो उनके पड़ोस में रहता भी है, सब कुछ जानता भी है वो, फिर भी उस मक्कार ने अदालत में अपनी पैतरेबाजी और चालाकी से उस कमला की हत्या को आत्महत्या साबित करके उसके सास ससुर उसके पति को बाइज्जत रिहा करवा दिया। भाई ये तो गद्दारी है इंसाफ से। क्यों, इसमें गलती क्या है? क्या हर वकील की ड्यूटी नहीं होती कि वो अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करे? अरे भाड़ में गई ऐसी ड्यूटी, इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? बिल्कुल, इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इंसाफ दिलाने वाला भी चंद रुपयों के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, अपना समीर बेच डाले। एक वकील का असूल होना चाहिए कि गुनहगारों को सजा दिलाए और बेकसूरों को बचाए, ये नहीं कि गुनहगारों को बरी करवाता रहे। अगर उस अदालत में जज की कुर्सी पर मैं होता तो सबसे पहले बेईमानी का मुकदमा चलाने वाले उस वकील को फांसी की सजा दिलाता, ताकि उसके बाद कोई भी वकील कोई झूठा केस लड़ने की हिम्मत ना कर सके। वाह 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 वाह, अगर मुझे पहले से पता होता कि आज तुम इतना खूबसूरत और जोशीला भाषण देने वाले हो, तो मैं तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला जरूर ले आती। भारती जी, आप माला का इंतजाम कीजिए, हम लोग शहनाई का इंतजाम करके आते हैं। अरे रे भारती, शहनाई का नाम सुनकर नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। अच्छा तो टाइम से आ गया, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज हर चीज का दाम डबल। डबल? यस ऑफ कोर्स, 100 का माल 200, 200 का माल 400। ये तो गलत बात है यार। गलत बात है, जा दूसरी दुकान। नहीं, नहीं यार, 100 ले चाहे 200 ले, कुछ भी ले यार, माल तो देना यार। ला ला, दर्शन करा माल का। दे दे यार। कॉलेज के कंपाउंड में नशीली दवाइयां बेचते हो? कानून के कॉलेज में कानून पढ़कर कानूनी तौर तो तुम। विजय साहब, हम कानून पढ़ते ही इसलिए हैं कि कानून तोड़ने के तरीके जान सके, उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सके। तो फिर लानत है तुम्हारी पढ़ाई पर, समझे? लानत है। लानत को मारो गोली, दौलत की सोचो, दौलत की। आज के जमाने में दौलत और शोहरत उसी वकील के पैर चूमती है जो झूठ को सच और गुनहगार को बेगुनाह साबित कर सके। मैं भी लॉ पास करके ऐसा ही वकील बनूंगा। सुना? नहीं विजय, तुम कोई मारपीट नहीं करोगे। तुम चुप रहो। विजय, तुम्हें मेरी कसम। कैसी है तू? अच्छी हूँ।
कैसी रही आपकी ट्रिप? अरे तुम लोगों का चेहरा देखकर जाते हैं और कामयाब होकर वापस आते हैं। अरे धर्मपत्नी ये क्या, मेरी बेटी से किचन में काम करवा रही हो? ये सब बावर्ची कहाँ मर गए? पूछिए अपने लाडली से, जब से कॉलेज से आई है किचन में घुसी बैठी है, कह रही है पिताजी आ रहे हैं, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मुझे भी किचन से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात है बेटी है? पिताजी आप विदेशी खाना खा खा कर बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से बनाया हुआ असली हिंदुस्तानी खाना खिलाऊंगी। चलिए आप जल्दी से कपड़े बदल कर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? बस। पिताजी ये लीजिए आपकी फेवरेट काली दाल। हाँ, ये तो भर कर डाल दो। बैठो बेटी तुम भी खाओ। नहीं पिताजी आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। पिताजी हाँ? आपको खाना कैसे लगा? बेटी तुमने खाना इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला स्वाद के लालच में उंगली तो क्या प्लेट भी खा जाए। लेकिन बेटी ये इस आवभगत के पीछे राज क्या है? राज? राज क्या होगा? राज तो कुछ भी नहीं। अरे बेटी मैं सैकड़ों आदमियों की आंखें पढ़कर करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तो क्या अपनी बेटी की आंखें नहीं पढ़ सकता? बोल बोल। पिताजी दरअसल कल शाम को हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है। गुड। आपकी बेटी भी हिस्सा ले रही है। वेरी गुड। माँ भी साथ आ रही हैं। वेरी वेरी गुड। और साथ में हमारे वेरी वेरी बिजी पिताजी को भी आना पड़ेगा। ओह नो, वेरी वेरी बैड। बेटी क्या है कि कल शेल्टन होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो पार्टी कैंसिल कर दीजिए। हाँ ये कैसे हो सकता है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मिनिस्टर नारायण दास और फॉरेन के खास खास आदमी आने वाले हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपए की डील होने वाली है, अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। माँ तुम्हें समझाओ ना इन्हें। देखिए हमारे पास इतनी दौलत है कि सात पुश्ते बैठ कर खाएं तो भी खत्म नहीं होगी, तो फिर ये और लालच क्यों? देखो धर्मपत्नी ये दौलत का पहिया जब एक बार पैर में लग जाता है ना, तो फिर बस आदमी नोटों और सिक्कों पर फिसलता ही चला जाता है, रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। आपको रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? भूख हड़ताल। देखो बेटी ये बेटी बेटी कुछ नहीं, अगर आप कल शाम को हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए राजी न हुए तो मैं आज से बल्कि अभी से खाना पीना बंद कर दूंगी। देख लिया तुमने धर्मपत्नी, बिल्कुल तुम पर गई है, गांधी जी के तरीके से अपनी हर बात मनवा लेती है, ब्लैकमेल करती है। अजी सेठ साहब मैं कहता हूँ आप मान भी जाइए ना, अगर बेबी जी ने सुभाष चंद्र बोस का तरीका अपना लिया ना तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। हाँ बता दिया। ओके ओके। चलो भाई तुम जीती हमारे, हम तुम्हारा प्रोग्राम देखने जरूर आएंगे। सच? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे कॉलेज के इस कल्चरल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे दिली खुशी हो रही है, और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के चीफ गेस्ट और जज हैं श्री नागेंद्र राव जी MLA, और इस प्रोग्राम में बेहतरीन आइटम पेश करने वाले को वो अपने हाथों से पहला दूसरा और तीसरा इनाम देंगे। तो पहला आइटम पेश करेंगी मिस कोनिका एंड पार्टी। और अब पेशी खिदमत है जापानी नृत्य मिस सुनीता एंड पार्टी। Thank you.
प्रोग्राम देखने आए हो या नौटंकी दिखाने आए हो? आराम से बैठे क्यों नहीं? ओके और अब देखिए एक आइटम जिसे पेश कर रहे हैं मिस भारती और उनके साथी मिस्टर विजय श्रीवास्तव। अनगिनत शहीदों ने बलिदान देकर इस देश को आजाद किया, लेकिन आज इस आजाद देश में क्या हो रहा है? Oh,
जेंटलमैनों और लेडियो, ये प्रोग्राम देखकर मुझे अपने देश में बढ़ते हुए परिवर्तन का एहसास हुआ और ये देखकर खुशी हुई कि हमारा देश डांस के मामले में कितनी तरक्की कर रहा है। आप लोगों को चाहे जो डांस आइटम पसंद आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिस कोनिका के डिस्को डांस को ही पहला इनाम दिया जाना चाहिए। कोनिका जी का डिस्को डांस देखकर मेरा रोम रोम झूम उठा। क्या उनकी कमर की लचक थी, क्या उनकी आंखों की मटक थी, क्या उनके पैरों की झटक थी, हाय 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 हाय, ये सब देखकर मुझे अपने जमाने की कुकु जी याद आ गई, हेलन जी याद आ गई, कुमकुम जी याद आ गई। दिमाग खराब हो गया। कोनिका जी से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आकर अपना पहला इनाम स्वीकार करें। कोनिका जी। नमस्ते जी। कोनिका, इसे हार नहीं कब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन डांस किया आपने, कोई और जगह होती तो मैं वंस मोर जरूर कहता। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने जी? कोनिका। बड़ा प्यारा नाम है। और मेरे हिसाब से दूसरा इनाम उस डांसर को मिलना चाहिए जिसके डांस ने मुझे बंबई में बैठे बैठे बिना हवाई जहाज के सीधे टोक्यो पहुंचा दिया। मिस सुनीता। वंडरफुल डांस यू। थैंक यू। यस, टेक। टेक। थैंक यू। सर क्या है सर? एक प्राइज देना तो बाकी रह गया है। किसको? जी मिस भारती को। ठीक है, बुलाओ। मिस भारती आए और अपना इनाम ले। मिस भारती। भारती, अगर तुम भी कोशिश करो तो कोनिका और सुनीता की तरह बहुत अच्छी डिस्को डांसर बन सकती हो। कोशिश करो और क्या है कि तुम्हें भी बड़ा कप मिल सकता है। अब बड़ा नहीं तो छोटा सही, इसे स्वीकार कर लो। लो लो। दोस्तों, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रही हूं कि मुझे पहला इनाम नहीं मिला, बल्कि इसलिए हो रही हूं कि डिस्को डांस को पहला इनाम देने के जो कारण एमएलए साहब ने बताए वो बड़े घिनौने, बेहुदा और वाहियात थे। एमएलए साहब जी, कल्चर यानी संस्कृति का मतलब जानते हैं आप? ये संस्कृति क्या है और कहां मिलती? हमारे पार्टी में तो नहीं मिलती, सॉरी। सुना सुना आप लोगों ने, जो ये पूछता है कि संस्कृति कहां मिलती है, ऐसे घटिया आदमी को हमारे कॉलेज के सांस्कृतिक प्रोग्राम के फैसले की कुर्सी पर बिठाना हमारे कॉलेज के लिए शर्म की बात है। ये प्रोग्राम विदेश में नहीं बल्कि अपने ही देश में हो रहा है और भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना जिसे नहीं आता, ऐसे आदमी का एमएलए होना हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कहावत है कि गधा क्या जाने जाफरान की कदर। ये जाफरान कौन है? कहाँ मिलता है? ये तो गधे को मालूम होगा। सॉरी। उसी तरह आप क्या जाने भारतीय नृत्य की खूबसूरती, उसकी नजाकत, उसकी खूबियां। किसी लड़की ने उल्टी सीधे झटके देकर नाच किया जैसे उसे फिट आ गई हो और आपने उस पर आफरीन होकर उसे पहला इनाम दे दिया। आप अपने आप को एमएलए कहते हैं? ये एमएलए कौन है? कहाँ मिलता है? पानबड़ी की दुकान पर। अच्छा। एमएलए साहब, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में जिस तरह का आइटम पेश करना चाहिए था मैंने उसी तरह का आइटम पेश किया। वाह बेटी वाह, हमें फक्र है ऐसी बेटी के पिता होने पर जो अपने देश की कला और उसके गौरव को नीचा होते हुए हरगिज नहीं देख सकती, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी रखती है। कीप इट अप। वाह, मैं इसे समझा रही हूँ कि इसने जो किया है वो गलत किया है और आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं इसकी तरफदारी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई की तरफदारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मपत्नी। तुम जो कह रही हो एक तरफ वो सही है और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी जो कह रही है वो भी सही है। वाह पिताजी, आप भी कुछ MLAs और MPs की तरह मौका देकर पार्टीज बदल रहे हैं। अजय, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, हमें देखिए।
हमें मौका मिला अपना शहर बदल कर यहाँ आ गए, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। अशोक भैया जीते रहो, जीते रहो। कैसे हैं चाचा जी? अरे तेरा चाचा मजे में ही रहता है। भाई साहब आप ऐसे अचानक? अचानक ही समझो भाभी। माँ जिंदगी में जो अचानक होता है ना वही सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है, उसी में थ्रिल है। क्यों चाचा जी? करेक्ट करेक्ट। मैं आपका कमरा तैयार करती हूँ। अच्छा भाई जरा खाने पीने का बंदोबस्त करो। बैठ किशोर, तू भी अजीब आदमी है, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा बड़े भैया? मैं जब भी आता हूँ या तो आप लंदन में होते हैं या टोक्यो में या फिर स्विट्जरलैंड में। हाँ भाई होते हुए भाई को देखने के लिए तरसता हूँ मैं। क्या बताऊँ किशोर, अपना बिजनेस ही कुछ ऐसा है। थैंक यू बिटिया, थैंक यू। बैठे बैठे बड़े भैया। हाँ? अरे हमारी लाडली बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? या बिटिया कुछ प्यार का चक्कर है? अरे नहीं किशोर, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो लॉ कर रही है और कहती है कि जब तक बैचलर ऑफ लॉ नहीं बन जाती तब तक डॉटर लॉ बनने के बारे में नहीं सोचूंगी। पागल है। हाय भारती। भारती हाय। हम इतना प्यार से मुस्कुराकर तुम्हें हाय हाय करते हैं और तुम इतनी पत्थर दिल हो कि ना सुबह हाय करती हो ना शाम को बाय हाय। ऐसी भी क्या नाराजगी है हमसे? मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। ए, एक मिनट भारती, एक मिनट। कल तुम्हें दुख हुआ ना कि तुम्हारे डांस को पहला इनाम नहीं मिला? मैं देता हूं तुम्हें इनाम, ये लो पेन। जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास बहुत सारे कलम हैं। तुम्हारे पास वो मामूली इंडियन कलम होंगे, ये इंपोर्टेड है, मेड इन जर्मनी। मुझे देखो, मेरी गाड़ी फॉरेन की है, मेरे कपड़े फॉरेन के हैं, मेरे जूते भी फॉरेन के हैं, मेरे चश्मे फॉरेन के हैं। एवरीथिंग ऑफ माइन इज मेड इन फॉरेन। तुम्हारा बाप भी फॉरेन का है क्या? लड़की पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे जा जाओ लड़की के। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये मारामारी कैसी हो रही थी? मारामारी नहीं सर, ये टेस्ट क्रिकेट। तो फिर ये खून कैसा? वो सर ऐसा बॉल फेंका कि इसका सर फट गया। जरा संभाल कर खेला करो। यस सर। जाओ फर्स्ट एड ले लो। दो भाई सर, मैं हूं ना, मैं सब करा दूंगा। यो फर्स्ट एड चाहिए कि लास्ट एड? हट साला। बड़ी देशभक्त बनती फिरती हो, जानती हो तुम्हारा बाप क्या बिजनेस करता है? क्यों, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना कोई जुर्म है? मगर वो क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है ये मालूम है तुम्हें? क्या? स्मगलिंग। स्मगलिंग करता है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर है तेरा बाप। खबरदार जो मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें की। तो सच्चाई की बिजलियां इसी तरह से गिरती है भारती, इसलिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद का दामन जांच लेना चाहिए। यकीन नहीं आता? नहीं आता यकीन तो जाके पूछ अपने बाप से कि वो क्या धंधा करता है। तुम्हारे इतने पैसे, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले कहां से आए? जा जाके पूछ। क्या बात है बेटी, तू परेशान लग रही है? एक सवाल है जो मेरे दिल में चुभ रहा है। सवाल? कैसा सवाल? माँ तुम पिताजी के बारे में क्या जानती हो? यार अचानक तुझे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही? मैंने तुमसे एक सवाल किया है माँ और मुझे उसका जवाब चाहिए।
तुम मेरे पिताजी के बारे में क्या जानती हो? अरे तेरे पिताजी हैं, मेरे पति हैं, इस घर के लिए सब कुछ हैं। एक पति और पिता के अलावा इस घर के बाहर देश की नजरों में लोगों की नजरों में वो क्या है? क्या है? तुम जानती हो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि वो एक चोर और स्मगलर है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है माँ, मेरे तो खून के एक एक कतरे में आग लग गई जब मेरे कॉलेज की एक लड़की ने सारे कॉलेज के सामने मुझे बताया कि मेरे पिताजी एक स्मगलर हैं। जी में आया कि मैं उसी वक्त उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दूं। वो कह रहा था कि ये बंगला, ये गाड़ियां, ये सारी ऐश आराम की चीजें पिताजी ने स्मगलिंग के धंधे से कमाई। खामोश, बहुत हो चुका। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसी बाप पर किसी के कहने पर तो शक कर रही है। बेटी, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं गवाह हूं तेरे पिताजी की गुजरी हुई जिंदगी की, उनकी गरीबी की, उनकी सच्चाई और ईमानदारी की। उन्होंने अपने खून के एक एक बूंद जला जला कर, पसीना बहा बहा कर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां बनाई। उन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे उन्होंने लोगों का बोझ तक उठाया जब हमारे पास तुझे दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे। उस समय तेरे पिताजी के दुख दर्द मैंने बांटे हैं, और आज जब वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच गए हैं तू पूछती है कि मेरे पति कौन है। वो बेटी जिसने मेरी कोख से जन्म लिया आज मेरे ही सुहाग की तरफ उंगली उठा रही है। माँ, माँ तुम इतने जज्बाती क्यों रही हो? माँ, किसने मेरे पिता पर इल्जाम लगाया, मेरे दिमाग में जहर भर दिया, उसे दूर करने के लिए मैंने तुमसे एक सवाल पूछा तो क्या गुनाह किया? मैं अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करूंगी तो और किससे कहूंगी? हाँ भारती, बेटी क्या बात है, आज माँ बेटी में बड़े प्यार की बातें हो रही थी। कुछ नहीं पिताजी, मैं माँ से एक राय पूछ रही थी। किस बारे में? हमारे कॉलेज में एक बहस हो रही थी, विषय था स्मगलर्स। कुछ स्टूडेंट्स का यह कहना था कि स्मगलर्स को सिर्फ जेल होनी चाहिए, और कुछ का ये कहना था कि स्मगलर्स को फांसी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? बेटी, अगर स्मगलर्स को जेल में रखते हैं तो यह जेल की तौहीन होगी, अगर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो ये उस रस्सी का अपमान होगा जिससे उन्हें लटकाया जाएगा। ऐसे देशद्रोही कुत्तों को सारी दुनिया के सामने लाकर सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए ताकि फिर कोई हमारे देश में स्मगलर बनने की जरूरत ना करे। That's all, your honor. अरे धर्मपत्नी, तुम यहां बैठे बैठे क्या सोच रही हो? और हाँ, मेरा सूटकेस तैयार करवा देना, कल सुबह ही लंदन जाना है। लंदन? पिछले हफ्ते ही तो आप लंदन से आए। अरे मौत और गाहक का क्या इतबार कब आ जाए, आज सुबह ही लंदन से एक कस्टमर का टेलीफोन आया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ? कमाल करती हो तुम, सारी स्टूडेंट्स ब्रिटिश काउंसिल ऑफ लॉ के मेंबर्स का लेक्चर सुनने गोवा सेमिनार में जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं जाओगे? विजय, जब से मैंने पिताजी के बारे में वो सब बातें सुनी है कुछ भी करने को मेरा मन नहीं करता, कहीं भी जाने को मूड नहीं होता। तुम्हारा भी जवाब नहीं है भारती, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिताजी के बारे में दलीलों के साथ सफाई पेश कर दी, तुम्हारे पिताजी ने खुद कहा कि ऐसे स्मगलर्स को गोली से उड़ा देना चाहिए, तब ये बात तुम्हारे जहन में? इसका मतलब तुम अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं रखती हो। फॉरगेट इट भारती, अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कल हमारे साथ गोवा जा रही हो। नहीं विजय, मैं भारती, नो डिस्कशन, कल तुम हमारे साथ गोवा जा रही हो, पीरियड। भारती, सेमिनार तो खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत गोवा भी देख ले क्यों? चलो। भारती, तुम कुछ कहना चाह रहे थे?
तुम भी तो कुछ कहना चाह रही थी। हाँ मगर अब पहले तुम। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। पहले तुम। तुम। नहीं पहले तुम। तुम। देखो जैसे पहले आप पहले आप पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी निकल गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहले तुम पहले तुम पहले तुम ये अनमोल घड़ी निकल ना जाए। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा था कि लॉ का हमारा ये आखिरी साल है। आखिरी साल क्या, अब तो कुछ हफ्ते ही बाकी है, फिर इम्तिहान खत्म हो जाएंगे, फिर तुम कहीं मैं कहीं, तुम्हारी मंजिल कुछ और मेरा मकसद कुछ और, पता नहीं जिंदगी में फिर मिल पाएंगे या नहीं। क्या क्या कहा तुमने? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा। मैं ही पागल थी जो हमारी दोस्ती को सिर्फ दोस्ती न समझकर न जाने क्या क्या सपने देखती रही। लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है। अरे भारती तुम तो बुरा मान गई। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था। अरे सारे शिकवे गिले
गुड मॉर्निंग। मिनिस्टर साहिबा, ये टाइम बहुत दिन से आया। अच्छा तो है मिनिस्टर साहिबा। भारती, वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी वो लंदन गए। कहा तो यही था उन्होंने, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने का इंतजाम क्या है? वोट तैयार है? वोट रेडी है साहिबा, अभी अभी फॉरेन वाला साहब को छोड़ के आए। आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिनिस्टर। माल पहुंच गया? जी हाँ, ऊपर है, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कटारो, योर गुड्स हैव अराइव्ड, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। श्योर। एक बात बताइए मंत्री, ये बिजनेस आप हमेशा बीच समुंदर में आकर क्यों करते हैं? अरे भाई क्या बताएं, ये जो विरोधी पार्टी है ना, हमेशा इसी ताक में रहती है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे वो हमारे मंत्रिमंडल की धज्जियां उड़ा दें। अगर ये काम हम किनारे पर करेंगे ना तो डूब ही जाएंगे, समझो। हाँ वाह मंत्री जी, ये किनारे पर डूबने की खूब कही आपने। चाचा जी, ये रहा आपका माल। सी मिस्टर कितारो, ये हिंदुस्तान की गरीबी से चुन चुन कर लाया हुआ माल है, और आपके कहने के मुताबिक इनकी उम्र 6 साल से कम है। आई होप यू विल लाइक दैट। दैट्स ओके। All right, Mr. Kataro. Now let's go down and discuss business, okay? Okay. Okay, agreed. Yep. So, Mr. Kataro, इन बच्चों की सेल का $100,000, $100,000 आप हमेशा की तरह हमारे अकाउंट स्विस बैंक में जमा करवा देंगे। Sure. Thank you. But, Mr. Minister, next time I want more children, at least 200. हाँ, 200 क्या है, हम 2000 बच्चे आपको देंगे मिस्टर कटारो। बट मिस्टर कटारो, आप इन बच्चों को वहां ले जाकर करते क्या हैं? What do you do? That is a top secret. But I'll tell you, we are making a drug. We use the brain of the children for that. What? आप दवा बनाने के लिए बच्चों का भेजा इस्तेमाल करते? Yeah. वो ऐसी कौन सी दवा है
Which is that drug? That's another top secret. I'll tell you later. Okay. The deal is over now. Bottoms up. Let's go. आप जा रहे हैं साहिबा? सलाम साहिबा, सलाम साहिबा। खुद का बिजनेस करोड़ों रुपए का और अपुन का मेहनत का सिर्फ 50 रुपया। ठुक साला। और 200 रुपया ये कहां से आया? इधर से आया। अगर तुम चाहो तो ये 200 के नोट तुम्हारे हो सकते हैं। अपुन तो बहुत चाहता है साहब, लेकिन ये सब पैसा तुम किस वास्ते दे रहा है अपुन को? इस वास्ते कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उन सवालों के सही सही जवाब मिल गए तो ये 200 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। 200 रुपया हमारा हो जाएगा साहब? बिल्कुल। वो टोपी वाला साहब वो कोई मिनिस्टर था, और वो सूट वाला बॉम्बे का कोई बड़ा बिजनेस वाला है। दोनों मिलकर ऐसा गंदा धंधा करता है, ठोक साला। क्यों, कौन सा धंधा करते हैं? चोरी का काम, डकैती का काम, स्मगलिंग का काम, कौन सा काम? उससे भी गंदा धंधा साहबा, अपुन का मुलुक का छोटा छोटा गरीब बच्चों को घर से उठाता है, स्कूल से चुराता है, माँ बाप की गोद से चुराता है, और यहाँ आके फॉरेन वाले को बेच डालता है। साला फॉरेन वाला बच्चा लोग को ले जाकर क्या करता है मालूम? मैंने आज ही अपने कान से सुना है साहब, बच्चा लोग का मुंडी काट के, खोपड़ी तोड़ के, अंदर का भेजा निकाल के कुछ दवा बनाता है साहब। तो साला साहबा, अपुन को तो लगता है ये सब धंधा कराने वाला बम्बई का सेठ है। दिखने में एकदम जेंटलमैन दिखता है, लेकिन मिनिस्टर का और फॉरेन वाले का दलाले का काम करता है। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते, झूठा ही मक्कार है। भारती, मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी नहीं हो सकते। आ गई बेटी, कैसा रहा गोवा का ट्रिप? क्या क्या देखा गोवा में? यहाँ रहकर जो जिंदगी भर न देख पाती वो सब कुछ मैंने गोवा में देख लिया। माँ नमस्ते। सेठ जी नमस्ते, सामान ले। जी लेता हूँ। हेलो हेलो भारती बेटे, सुनो शारदा, ये भारती को क्या हो गया है? पहले हमारी आवाज सुनकर भागी चली आती थी, और आज हमारी आवाज सुनकर भागी चली जा रही है। हमारी आवाज बदल गई है या हम? बहुत थक कर आई है, अभी अभी गोवा से लौट कर आई है ना। गोवा से? हाँ। गोवा क्या करने गई थी वो? अपने कॉलेज की तरफ से टूर पर गई थी, लेकिन आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे धर्म पत्नी, जाते ही काम चुटकियों में हो गया, जो देना था वो दे दिया और जो लेना था वो ले लिया। और फिर मैं ये कैसे भूल सकता था कि अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह होने वाली है। वाकई में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले, जो इतने बिजी रहने के बावजूद भी अपनी शादी की सालगिरह नहीं भूल सकते। मगर लंदन कैसा रहा? लंदन? हाँ? अरे हाँ लंदन। क्या बताऊँ धर्म पत्नी, समुन्दर पर ठंडी के मारे बर्फ जमी थी। अच्छा? लेकिन हमारे दिल पर
पत्नी और बेटे की तस्वीरें जब ही हुई थी इसलिए जल्दी से चला आया। भारती कैसा गया पेपर? क्या हुआ, खामोश क्यों? क्या बताऊं विजय, मैं अपनी परेशानियों में इतनी उलझ गई कि मुझसे कुछ लिखा ना गया। तो क्या तुमने? हाँ, मैं ब्लैंक पेपर देकर चली आई। क्या पागलपन है ये भारती, जानती हो तुमने अपनी जिंदगी का एक साल बर्बाद कर दिया, अपने करियर को कोई ख्याल नहीं तुम्हें? क्या करूं विजय, पिताजी के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग सुन हो गया। अरे ये क्या भारती, मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए हिम्मत वाले आंसुओं का सहारा नहीं लेते, वो तो हालात का मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं। हम भी लड़ेंगे, आओ मेरे साथ। वेद जी सर, हमारा बैग अंदर भिजवा दो। ओके सर। आराम से, आराम से। तो किया था, फिर आ गया। हो गया? अरे बहुत अर्जेंट काम है हमको। हेलो भारती, विजय बोल रहा हूं। ओए, कौन है तू, इधर कैसे आया? खान साहब, लगता तुम यहां नए नए आए हो, मुझे नहीं जानते हो। मैं सेठ जी का ड्राइवर शंकर हूं। सेठ जी अपना ब्रीफकेस भूल गए थे, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। लगता है तुम इधर के लिए नया नया आया है, ये भी नहीं मालूम कि जब तक सेठ जी नीचे तय करने में कोई उधर जा नहीं सकता। लाओ ये बैग हमको दे दो, हम सेठ जी को दे देगा। चलो जाओ इधर, चलो जाओ। बीमा जी साहब, वो विदेशी मेहमान आ गए। आ गए साहब, आपका वेट कर रहे। और वो अब्दुल लड़कियां लेकर आने वाला था, वो आया कि नहीं? वो भी आ गया है साहब, और साथ में लड़कियां भी आ गई हैं। चलकर देख लीजिए साहब। मिस्टर भंडारी, व्हाट अबाउट माय गुड्स? यस, दे आर रेडी। कब? थैंक यू। Thank you.
लानत है तुम पर। उधर तुम्हारी बेटी अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर अपनी जान छिड़कती है, और तुम यहां सोने और नशीली दवाइयों की स्मगलिंग जैसे देश विरोधी काम करके रुपया कमाते हो। तुम कौन हो और तुम्हारी असलियत क्या है, यह मैं तुम्हारी बेटी और पुलिस को बताने वाला हूं। तुम ठीक तो हो? किसी की तुम्हारी हालत बोलो। डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए ना मेरे साथ। कहाँ है वो? बाहर गाड़ी में, जल्दी चलिए। स्ट्रेचर भिजवा। क्या हुआ मैडम, कहाँ है आपकी कार? यही तो बाकी थी, कहाँ जा सकती है? अशोक जी, हमने कहा था ना कि हम बहुत जल्द एक ऐसा कारनामा करेंगे कि देखते ही देखते मालामाल हो जाएंगे
और करोड़ों की दौलत हमारे पांव में बिखर जाएगी। ये रही उस अनमोल खजाने की चाबी। लेकिन ये क्या है? ये है हमारे सारे देश की मौत का सामान और हमारी नई जिंदगी का आगाज। इस फाइल में हमारे देश के एटॉमिक सेंटर्स यानी कि अणुशक्ति केंद्र, हथियारों के भंडार, हमारी सरहदों पर हमारी फौजों की खुफिया छावनियां, हमारे देश के किस किस मुकाम पर गोला बारूद हमने जमा कर रखा है उसका भेद, और हमारे देश की ताकत को खत्म करने के लिए विदेशियों को क्या क्या करना चाहिए, उस किस्म के तमाम मिलिट्री सीक्रेट्स इस फाइल में बंद हैं। हाँ। और ये फाइल लेकर कल ही तुम उस मुल्क के लिए रवाना हो जाओगे जिसका जिक्र मैं तुमसे कर चुका हूँ, और उस आदमी के हाथ दोगे जिसका नाम भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और इस फाइल में मेरे हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी है। जब तुम ये चिट्ठी उस आदमी के हाथ दोगे तो वो तुम्हें 500 करोड़ डॉलर कैश देगा। उन डॉलर्स को तुम स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करा दोगे। मंत्री जी, आप तो जानते हैं मैं पहले ही विजय श्रीवास्तव को, जिसने यहाँ की एक एक चीज देख ली थी, कार समेत पहाड़ी से लुढ़काकर खत्म कर चुका हूँ। अब अगर ये काम करते हुए पकड़ा गया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। ये तो बहुत ही जोखिम और खतरे का काम है। बगैर खतरों का सामना किए और जोखिम उठाए लक्ष्मी कभी किसी के कदम नहीं चूमती जनाब। ओहो, और जब तक हमारा हाथ तुम्हारे कंधे पर है अशोक, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम अपनी और तुम्हारी फैमिलीज को स्विट्जरलैंड में बसाने का और वहां के नागरिक बनाने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। बस हिंदुस्तान से तुम एक बार बाहर निकल गए तो दुनिया का कोई भी कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? जी। तो ठीक है मंत्री जी, मैं कल सुबह की ही फ्लाइट से रवाना हो जाऊंगा। लेकिन अशोक, इस बैग को बड़ी सावधानी के साथ लेकर जाना, क्योंकि इस बैग में हमारे देश की किस्मत है जिस पर हम बहुत जल्द बदकिस्मती की मोहर लगाने जा रहे हैं। आप फिक्र न कीजिए मंत्री जी, इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर ले जाऊंगा। आई एम श्योर, आई एम श्योर। शारदा, शारदा, अरे कहाँ हो भाई? क्या बात है धर्मपत्नी, आज पहुंच हुए जा रहे हैं? अरे इतनी जल्दी भूल गए? यही तो वो दिन है जिस दिन गले में मंगलसूत्र बनवाकर, मांग में सिंदूर भरवाकर, आपके साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर आपकी धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मिला था मुझे। और इसी दिन के लिए तो आप एक हफ्ता पहले लंदन से दौड़े दौड़े चले आए थे। अरे धर्मपत्नी, ये अचानक बिजनेस का दबाव ऐसा पड़ा दिमाग पर कि मैं दिल की बात ही भूल गया। मेरा आज ही जाना बहुत जरूरी है, वैसे ये शादी की सालगिरह मुझ पर उधार रही, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा तो आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, यही ना? बिल्कुल। अरे धर्मपत्नी, एक तुम ही तो हो जो मुझे अच्छी तरह समझती हो। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट, क्या शादी की सालगिरह पर मुझे तोहफा दिए बिना ही चले जाओगे? धर्मपत्नी, तेरे लिए तो जान हाजिर है, बोल क्या चाहिए? ये ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए। क्या? क्यों? ये ब्रीफकेस क्या आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है? शारदा, क्योंकि इसमें भारत की 90 करोड़ जनता की जानें बंद हैं। शारदा, इतने सालों से मैं यही समझती रही कि तुम बाहर मुल्कों में जाकर कुछ बेचते हो, कुछ खरीदते हो, बहुत बड़े सौदागर हो तुम, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम किस तरह का सौदा करते हो। तुम एक खतरनाक स्मगलर हो। माँ, दूसरे स्मगलर लोग तो सिर्फ सोना चांदी बेचते हैं, लेकिन तुम्हारे ये पतिदेव तो उनसे भी आगे निकल गए। पहले इन्होंने सोना चांदी बेचा, उससे पेट न भरा तो इन्होंने अपनी माँ का, इस देश का सौदा कर दिया। देश, 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 क्या दिया है मुझे इस देश ने? जब मैं सड़कों पर भूखा प्यासा फतेहाल बिना छत के घूम रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, उस वक्त देश ने मुझे क्या दिया था? कुछ नहीं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बलबूते से है, मेरी मेहनत और मेरी अकल की कमाई है। मुझे इस देश से कोई हमदर्दी नहीं।
एक खूनी भी अपने खून करने के जुर्म में सफाई पेश करता है और दावा करता है कि उसने जो खून किया है ठीक किया है। एक डाकू अपनी डकैती की वजह बताता है और कहता है कि वो सही कर रहा है। उसी तरह आप भी अपने देशद्रोही होने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी के तजुर्बे बता रहा हूँ और इन्हीं तजुर्बों के बिना पर मैंने ये फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, कैसे जीना है और मैं अपने इन फैसलों को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। जानती हो आज मेरी क्या पोजीशन है? मैंने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। हम बहुत ही जल्द ये देश छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। वहां के बैंकों में मैंने 200 करोड़ रुपया जमा कर रखा है। वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा भी एक हंसता खेलता जीवन हो, एक अच्छा पति हो, बच्चे हो। बहुत खूब, भारत माँ को विधवा करके अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं आप? इन खोखली देशभक्ति की बातों में कुछ नहीं रखा है और ना ही इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भारती, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पिता को एक बहुत बड़ा पाप, एक बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक रही हूँ। शारदा, कह दो इस पागल लड़की से कि रिवॉल्वर फेंक दे। ये रिवॉल्वर इसके हाथ में मैंने दिया है। क्या? आपको जहां जाना है जाइए, मगर ये ब्रीफ केस यहां छोड़ जाइए, वरना। वरना क्या, गोली मार दोगी अपने बाप को? इतनी हिम्मत है तुम में? एक बेटी अपने बाप को कभी गोली नहीं मार सकती, लेकिन इस बाप के अंदर जो देशद्रोही छुपा है उसे मारने की पूरी हिम्मत है मुझ में और पूरा अधिकार भी। मतलब तुम अपनी माँ के सुहाग को अपने ही हाथों से मिटा दोगी? अपनी माँ की सुहाग से ज्यादा मुझे अपना देश प्यारा है। माँ, पुलिस को फोन करो। शारदा, तुम पुलिस को टेलीफोन नहीं करोगी। मैं कहता हूँ रख दो टेलीफोन। शारदा, हेलो, पुलिस स्टेशन। मंत्री जी, नमस्कार। चाचा जी, यही है वो अशोक भंडारी साहब का नौकर पीशुराम। नमस्कार माई बाप, नमस्कार। तो पीशुराम, तुम्हारा ये कहना है कि तुमने भारती को अपने बाप को गोली मारते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी माई बाप, इन्हीं आंखों से देखा है। इनाम दे दो। शुक्रिया माई बाप। और तुम ये भी कहते हो कि भारती के पास जो बैग है उसमें कितने कीमती कागजात हैं, ये भी तुम्हें मालूम है? जी सरकार, बिल्कुल मालूम है। उसका भी इनाम दे दो। धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा दावा है कि तुम्हें मालूम है कि उन कागजात में खत है जिसमें हमारे खुद के दस्तखत है? जी मंत्री जी। इसका भी इनाम दे दो। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब, जिस तरह कई राज आपके सीने में बंद है ना, उसी तरह मैं एक खास बात और जानता हूँ। क्या है वो? आप ये तो जानना ही चाहते होंगे कि भारती देवी वो बैग लेकर कहाँ गुम हो गई। कहाँ गई वो? इसका तो डबल इनाम मिलना चाहिए मिनिस्टर साहब, डबल इनाम। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, दे दो। थैंक यू, डबल थैंक यू। अब बताओ भारती कहाँ है? ऊटी में, अपनी स्टेट वाले बंगले में। मिनिस्टर साहब, नमक मैंने सेठ साहब का खाया और वफादारी आपके साथ कर रहा हूँ। इसका भी तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना। बहुत खूब,
इसके लिए तो तुम्हें खास इनाम मिलना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी दे दो। मिनिस्टर साहब, ये क्या? तुमने नमक सेठ का खाया और वफादारी हमारे साथ की। कल हमारा नमक खाओगे, वफादारी किसी और के साथ करोगे। शूट हिम। मंगल जी। चाचा जी, तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर उठी जाओ और किसी भी तरीके से पहले भारती से वो बैग हासिल करो और फिर उसे खत्म कर दो। जी चाचा जी। भारती माय चाइल्ड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जब तुम मेरी स्टूडेंट थी तो तुमने हमेशा हिम्मत से हालात का मुकाबला किया है। फिर आज हिम्मत क्यों हार रही हो? फादर, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बेटी, जीवन एक युद्ध है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तुमने जो कुछ किया है अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए किया है। इंसानियत का साथ देना कोई पाप नहीं, हजारों पुण्य के बराबर है। हाँ फादर, आपसे मिलकर मेरा मन हल्का हो जाता है, दिल को शांति मिलती है, इसलिए मैं आपको परेशान करने यहाँ बार बार चली आती हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जब भी दिल करे यहाँ आ जाना, बिल्कुल संकोच मत करना। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। हेलो बेबी, बंबई छोड़कर ऊटी आ जाने से तुम अपने जुर्म की सजा से बच नहीं सकती। कौन हो तुम? तुम्हारा एक राजदार। अभी तो हमारी आवाज सुनकर तुम सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए खामोश हो गई हो, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी जाओगी। आखिर क्या चाहते हो तुम? वो बैग, वो कागजात हमारे हवाले कर दो बेबे। कौन सी फाइल्स, कौन सी कागजात? मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। भीमा जी, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। तुम कल जाओ और कुछ भी करके वो कागजात उससे लेके आओ। सड़क तेरे बाप किया गाड़ी गुरु की, जानता नहीं कौन मैं? भगत बजरंग बली, रिश्तेदार ब्रूस ली एंड पड़ोसी ऑफ बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली। चल पैरटा। अरे पैर आया कम्बा। बताओ कहाँ है वो बैग? मुझे नहीं मालूम। बताओ कहाँ छुपा रखा है वो बैग? मुझे नहीं मालूम। गाड़ी चलाओ जल्दी। सुनिए साहेबान, मेहरबान, कदरदान, यह है मेरा उस्ताद जामलिया। यह है कुदरत का वो कमाल, जो भी इसे टकराया उसका हुआ बुरा हाल। है कोई माई कराल जो कमाना चाहता है माल? एक के बदले दस, दस के बदले सौ, सौ के बदले
सारे हजार उसको मिलेंगे जो मेरे शेरे बबर को हराएगा। है कोई माई कलाल? हम हैं। तेरे इस मिट्टी के पुतले को कच्चे मटके की तरह फोड़ न दूं तो मेरा नाम फोड़वार सिंह नहीं। पकड़ सौ का नोट, हजार तैयार रखना। अब बजेगी बांसुरी। किसकी? दौलत राम, वहाँ क्या हो रहा है? अरे मेम साहब, जमाना शराफत का रहा ही नहीं। उधर सुनसान सड़क पर भी गुंडागर्दी और ये देखिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी गुंडागर्दी। छुट्टी कर दी पहलवान की। वाह उस्ताद वाह, क्या पैंतरा मारा तुमने, उस फोड़वार सिंह की फोड़ फाड़ कर दी तुमने। उस्ताद ये लो ताजा ताजा दूध पियो। शाबाश शाबाश यारो शाबाश। है कोई और माई कलाल जो दिखाना चाहता हो अपना कमाल? मेरे पास आपके गले के पीछे जो आदमी पड़े हैं ना, उनका गला दबाने के लिए ये आदमी एकदम फिट है। मेम साहब मेरी मानिए, इसको मेरा असिस्टेंट रख लीजिए, फिर कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। उस्ताद ये रही आज की कमाई, 200 रुपए। शाबाश। सौ तुम दोनों का, सौ अपना। थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। चलो ए ये आपने क्या किया मेम साहब, आपने जामिया उस्ताद को एक एक बुलाया, वो देखिए वो आ गया, पता नहीं क्या करेगा। क्यों बे, बुला गए वो? मैंने नहीं बुलाया, मेम साहब ने बुलाया भाई। चल पट। अपना नाम ए नहीं, अपना नाम है जामलिया, खाली जामलिया नहीं, उस्ताद जामलिया जमशेदपुर वाला। अच्छा अच्छा, क्या जामलिया साहब बस? हाँ सही एकदम। क्या बात है, बुला गए को मैडम? ये लो। ये क्या मैडम, अपन किसी चूड़ी वाले हाथ से पंजा नहीं लड़ा था? अरे मुझे गलत मत समझो, ये तो तुम्हारी बहादुरी का इनाम है, लो। बहादुरी का इनाम ऐसे कैसे दे रहे ला मेम साहब, अपन को भिखारी थोड़ी है, हाथ नीचे करके अपन ने पैसा कभी लिया ही नहीं। अगर पैसा देना है तो अपने हाथ में रखो, अपन ले लेगा। ये लो। थैंक यू, कभी जरूरत पड़ी तो याद करना, फकड़ में काम करेगा। चलता सुनो एक बात पूछो। पूछो क्या बात है? तुम ये मारपीट का धंधा क्यों करते हो? बेमानी रिश्वतखोरी और शानपति करने से मारपीट का ये धंधा अच्छा, जान को खतरे में डाल के पैसे कमाना कोई बुरी बात तो नहीं है। देखो जामलिया,
अगर मैं तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दूं और तुम्हारी रोज की कमाई से ज्यादा तनख्वाह भी दूं, तो क्या तुम मेरे पास काम करोगे? कितना देंगी आप मेम साहब? 5000 रुपए महीना। 5000 रुपया महीना? क्या मजाक कर रही है मेम साहब? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच कह रही? सच कह रही? 5000 रुपया महीना आप? हाँ हाँ, बोलो मंजूर है? नेकी और पूछ पूछ शुरू करूं? तो अभी गाड़ी में बैठो। गाड़ी चलाओ। वाह वाह, इतना बड़ा ग्राउंड, ये अफलातून खोली, ये सब आपका है मैडम? क्यों, तुम्हें खरीदनी है क्या? क्यों, मैं खरीद नहीं सकता? अरे इसे खरीदने के लिए तुम्हें बहुत पैसे चाहिए होंगे, और उसके लिए तुम्हें लाखों नहीं करोड़ों कुश्तियां लड़नी पड़ेंगी, और कुश्तियां लड़ते लड़ते तुम बुड्ढे हो जाओगे, मर जाओगे, अगला जन्म लोगे, लेकिन एडियट, मैंने इसलिए पूछा कि इतनी बड़ी खोली में आप दो जन रहते हैं और वहाँ ढेर सारे लोग, और रहने के लिए छोटी सी खोली तक नहीं मैडम, ऐसे क्यों होता है? वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले अपना काम समझ लो। जब मैं घर के अंदर रहूं तो तुम्हें मेरे साथ घर के अंदर रहना होगा, और जब मैं बाहर जाऊंगी तो तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ चलना होगा। और एक खास बात, उस मेन गेट में से किसी को अंदर मत आने देना, और अगर किसी ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की तो उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा मेम साहब। आप फिक्र मत करो, जामिया साहब समझ गए, आप आराम से जाकर खटिए पे लेट जाओ। जाओ मैडम। शुक्रवार का व्रत है और शुक्रवार को मैं मानव हत्या नहीं करता। चल उठ उठ उठ, बुला रही यार, पहले दिन ही यार तुम लोग भी। बेबी, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तुम चुपचाप वो कागजात हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना इस कुर्सी पर बैठने वाला जमीन पर चलने के काबिल नहीं रह जाता। देशद्रोही कुत्तों, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं। बेबी, तुम औरत जात हो इसलिए हम तुम्हारे साथ सिर्फ बातों की सख्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हमारे हाथों में वो ताकत है कि पत्थर भी टूट कर चकनाचूर हो जाया करते हैं। और तुम तो महज मोम की एक नाजुक गुड़िया हो। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर तुम वो कागजात हमारे हवाले करने के लिए राजी ना हुई तो कसम से मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी, मगर वो कागजात तुम्हें नहीं मिलेंगे। जब तक ये माने नहीं, इसे 1 बूंद पानी भी मत देना। बंद कर दो दरवाजा।
मिम साहब एक एक मिनट। मैं दिमाग से सोचकर निशाना हमेशा दिल पे लगाता हूं, तुम पे नहीं लगाया। मतलब मेरे दिमाग ने कुछ और सोचा है। काफी समझदार लगते हो। मैं अकेले में तुमसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। जरूर बिंदास, चलो आओ मेरे साथ। शराब नंबर 69, उल्टा भी 69 और सीधा भी 69। इसका मतलब है उल्टा पियो तो भी नशा और सीधा पियो तो भी नशा। भाई साहब आपने खाली देखने के लिए दिया है कि पी भी सकता हूं। पियो पियो। अरे वाह, चिकन बोटी की जगह ये नोट, ये भी खा लूंगा साहब। मगर इस खिलाने पिलाने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? ये 1 लाख पेशगी है। उस लड़की के पास कुछ खास कागजात है, उन्हें तलाश करके हमारे पास पहुंचाना होगा। काम पूरा हो जाने के बाद 2 लाख रुपए और मिलेंगे। बोलो, सौदा मंजूर? हाँ मंजूर है, मंजूर है सेठ। इतने नोटों के लिए दूसरे के घर को क्यों? मैं तो अपने घर को लूट कर आपके हवाले कर दूंगा, समझो आपका काम हो गया सेठ। और हाँ एक खास बात और। हाँ, आदमी जहर खाकर तो शायद एक बार बच जाए, लेकिन हमारा पैसा खाकर नहीं। इसलिए इस काम में बेईमानी की बात सोचना भी मत। हुल मत देना साहब, अपन बदमाश जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। हाँ ठीक है चलो। एक सेकंड। एक सेकंड। दिमाग से काम लो, जल्दबाजी मत करो। बाहर लड़की खड़ी है, अगर हम लोग दोस्त बनकर जाएंगे तो उसके दिमाग में शक नहीं पड़ेगा। हाँ इसलिए झूठ मूठ की मारामारी कर लेते। अरे जामिया तुम ठीक तो हो? अरे मेम साहब अंदर मारधाड़ की आवाज सुन के क्या आप समझिए वो मेरी धुलाई कर रहा है? हाँ। अरे मेम साहब जामिया आपका बॉडी गार्ड है, उसके बॉडी का एक एक पुर्जा अलग कर कर गया, वो जिंदगी भर जोड़ नहीं सकेंगे। हाँ चलो चलो। जल्दी सुबह हो गए मेम साहब। पिस्तौल? अरे पिस्तौल मेम साहब, पिस्तौल दूर रखो, अगर उंगली फिसल गई तो मेरी जान फिसल जाएगी। ओफो, तुम्हें रखने से तो अच्छा था कि मैं कोई कुत्ता पाल लेती। हा? कम से कम वो किसी को देखकर भौंकता तो। हुआ क्या मेम साहब, कोई मेरी नजर बचा के अंदर गया क्या? आने वाला आया भी और चला भी गया, मगर तुम्हारी नींद नहीं खुली। अरे तो मुझे उठा देती, उसकी हड्डी पसली तोड़ देता, आप तो जानती हैं। बस बस ऐसे डेंगे तुम 1000 बार मार चुके हो, अब उठाओ ये बिस्तर और चलो अंदर। अंदर अंदर मैं, ताकि मैं कुछ देर आराम से सोते सकूंगी, अब चलो भी। अच्छा चलो जामलिया उस्ताद, चलो चलो यहाँ सो जा। अरे मेम साहब, मेम साहब एक बात पूछूं आपसे। क्या है? ये जो लोग आपके पीछे पड़े उन लोगों को क्या मांगते हैं? तुम्हें से क्या मतलब, अपना काम तो ठीक से करते नहीं हो, खामखा के सवाल पूछते रहते हो। अरे मेम साहब भड़कता गए कोई? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो टोली आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो बहुत डेंजर लोग है, उनको जो कुछ भी मांगता है दे दो ना, काहे को दुश्मनी मोल ले रहे। तुम्हारा मतलब है कि मैं उनकी गुंडागर्दी से डर जाऊं? मेरा मतलब ये नहीं था मैडम, मुझे आपकी जिंदगी क्या फिक्र है? कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। आज मैं बिल्कुल बेसहारा और अकेली हूँ, मेरे हर कदम के पीछे दुश्मन के कदम है। उन दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए मैंने तुम्हें हथियार चुना था, और आज तुम खुद मुझे कह रहे हो कि मैं उनके आगे हार जाऊं, उनके सामने झुक जाऊं। मैडम मेरा मतलब ये था कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब ऐश्वर्य है, फिर भी ऐसा डर डर के जीना पड़ता है, इसलिए बोल रहा था।
इसलिए नहीं जी रही हूं कि मुझे जिंदगी से प्यार है, बल्कि इसलिए जी रही हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। जब तक मैं उस मकसद को पूरा ना कर लूं, मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी, तुम जा सकते हो। अरे मैडम, अगर ऐसी बात है तो जामलिया के होते हुए आपको कोई टच नहीं कर सकता है। मैडम, अपन जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए रेडी है। भीमा जी, दो दिन हो गए वो जामलिया का बच्चा 1,00,000 रुपया पेशगी ले गया और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। जामलिया का बच्चा नहीं, जामलिया खुद हाजिर है साहब। अरे आओ आओ, हम अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। शाबाश, तो तुम वो कागजात ले ही आए, हमें मालूम था कि तुम जरूर कामयाब होकर लौटोगे। ये क्या? ये आपकी शराब की बोतल साहब, आधी पी थी, पूरी ले आया हूं, और 1,00,000 रुपए आपकी अमानत, आपको वापस। मगर क्यों? बात ऐसी है साहब, मैंने उस घर का कोना कोना छान मारा, अलमारी कबाड़ तक किया, गदेला यहां तक के कपड़े भी फाड़ डाला, मगर उन कागजात का कोई पता नहीं चला साहब। तुम्हारा मतलब है वो कागजात उसके पास नहीं है? कागजात उसके पास घर में तो नहीं है साहब, कहीं छुपा दिया हुआ तो कोई भरोसा नहीं साहब। लड़की वो छोकरी बहुत शानी है साहब, बहुत शानी छोकरी है वो, मगर अपन आपका काम नहीं कर सका। वेरी वेरी सॉरी सर, सब माफ कर दे, आइंदा कोई काम होगा तो बुला लेना। हाँ, जाता हूं। इसका मतलब है उन कागजात को हासिल करने के लिए हमें कोई नई चाल चलनी होगी। साहब किधर सीधे घुसे जा रहे हो? कौन है आप लोग और किससे काम है? अरे भाई, यहाँ भारती नाम की लड़की रहती है ना? वो तो रहती है, मगर आप लोग कौन है? ये उसके बाप हैं और मैं उसकी माँ हूँ। बाप और माँ? क्या बात है जामलिया, बिना करंट के झटके क्यों खा रहा है? बिजली घर जो सामने खड़ा है। कह रहे हैं कि महिम साहब के माँ और बाप है। क्या माँ और बाप? इतनी जल्दी दूसरा जन्म लेकर बुढ़े भी हो गए? भूत तो नहीं, क्या मतलब? मतलब इनका मतलब ये है कि हमारी मेम साहब का ना कोई माँ है ना कोई बाप है, जो कुछ भी है हम दोनों है, आए ना। माँ बाप मरे तो काफी दिन हो गए। क्या हम लोगों के जिंदा होते हुए हमारी बेटी ने ये कह दिया कि हम लोग उसके लिए मर चुके हैं? अरे इनसे क्यों डिस्कस कर रही हो, हम अपनी बेटी के घर में आए हैं, चलो अंदर। चलो रास्ता छोड़ो, रुक जाओ। खबरदार जो अंदर आने की कोशिश की। बेटी? भारती बेटी, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमको तड़पता हुआ छोड़ के चली गई? भगवान जानते हैं बेटी, हमने तुम्हारे बगैर किस तरह आंसू पीपी के दिन गुजारे हैं। वाह, एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी कर लेती हैं। सीधी तरह बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? माँ बाप अपनी औलाद से मिलने क्यों आते हैं ये भी बताना पड़ेगा। बकवास बंद करो। जामलिया, ये दोनों उन गुंडों के आदमी लगते हैं, इन्हें धक्के मार कर बाहर करो। चलो, एक दो तीन रास्ता नापो वरना। छोटी हड्डी, मोटी हड्डी, पतली हड्डी, लंबी हड्डी, टेढ़ी हड्डी, मेरी हड्डी, सब हड्डियां टूट जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। जानते नहीं जामलिया उस्ताद को? देखो भाई, हम इसके माँ बाप हैं, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हमें इससे जुदा मत करो। हमने इसे फूलों की तरह पाला है, हमारे साथ ऐसे जुल्म ना करो बेटा। भारती बेटी, खबरदार जो मुझे बेटी कहा, मैं अभी पुलिस को बुलवा कर गिरफ्तार करवा दूंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो बुलाओ पुलिस को, और उन्हीं को आकर फैसला करने दो कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है जामलिया, हाथ कंगन को आरसी क्या? अपने माँ बाप के साथ खींची हुई एक तस्वीर है मेरे पास, अभी लाकर दिखाती हूँ, साफ साफ पता चल जाएगा कि ये लोग धोखेबाज और फरेबी हैं। कमाल, बड़ी गड़बड़ वाली फैमिली मालूम होती है। ये हैं मेरे माँ बाप।
क्या सचमुच तुम्हारे माँ और बाप है? हाँ क्यों? सब फोटो में तो यही दो लोग हैं। नहीं, ये तस्वीर बदल दी गई है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। ये मेरे माँ बाप नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं मेम साहब? थोड़ी देर पहले तो आप बोल रही थी कि तस्वीर आप ही के माँ बाप की, और आप बोली कि तस्वीर बदल गई। देखो मेम साहब, आपस में कितना भी झगड़ा हो, माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए अंदर आइए, सब ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा। माफ करना माँ जी, आपको भूत बोल दिया। आइए पधारिए। आइए। ये मेरे अपनों का खून बहाने की सजा मिल रही है मुझे, कि आज मेरे ही घर में दो बहरूपे मेरे नकली माँ बाप बनकर सांप की तरह घुसाए हैं। वो हर पल मुझे डस रहे हैं और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फादर, मैं ये भी साबित नहीं कर सकती कि वो मेरे माँ बाप नहीं है। फादर, ये सब सोच सोच के मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। जी करता है खत्म कर लूं अपने आप को, अपनी इस नरक से जिंदगी को। बेटी, जो कुछ तुम कह रही हो वो सब तुम्हारी भावनाएं हैं, मगर भावनाओं से बड़ा होता है मनुष्य का कर्तव्य। जो कुछ तुमने किया है उसका पछतावा या प्रायश्चित नहीं, गौरव किया जा सकता है। गौरव? हाँ, जनता से नेता यहाँ वोट लेता।
नेता से नेता यहाँ वोट लेता, वोटों के बदले वो वादे हैं देता, कानों का पहरा है आंखों का अंधा, सबसे भला प्यारे नेता का धंधा, नेताओं को नहीं सुनाई दे जनता के बोल 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 मेरे डफली बोल बोल बात पते की बोल, खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की बोल बोल मेरी डफली बोल बोल बात पते की बोल। टीका लगाए बोले मीठी वाणी, टीका लगाए बोले मीठी वाणी, बदला भक्तों की है यही निशानी, रावण मिले यहाँ राम के भेष में, कैसे रहे कोई लोगों इस देश में, धर्म कर्म का इस दुनिया में रहा न कोई मोल, बोल मेरी डफली बोल बोल बात पते की बोल, खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की बोल, बोल मेरी डफली बोल बोल बात पते की बोल, खुलती है तो खुल जाए दुनिया वालों की बोल, बोल मेरी डफली बोल बोल बात पते की बोल। दौलतराम जी मैम साहब, ये नाश्ता किसके लिए ले जा रहे हो? आपके मेहमानों के लिए। लेकिन मैम साहब एक डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में, ये आपके मरे हुए माँ बाप जिंदा कैसे हो? शट अप, ना वो मेरे माँ बाप है ना उनके लिए नाश्ता ले जाने की जरूरत है, ले जाओ इसे। अरे रे मैम साहब, आप अगर अपने माँ बाप से भड़के लाए तो उसका ये मतलब नहीं कि उन बेचारों को भूखा मार दो। जाम लिया, बार बार मत कहो कि वो मेरे माँ बाप है, मेरे बदन में आग लग जाती है, वो लोग ढोंगी और चालबाज है। अगर वो लोग ढोंगी है तो फोटो में कैसे आ गए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सुनो, दिल्ली में मेरे पिताजी के सगे भाई मेरे चाचा जी रहते हैं, मैं उन्हें फोन करके यहाँ फौरन बुला लेती हूँ, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। वाह मेम साहब, फर्स्ट क्लास आइडिया है। अगर आपके चाचा ने बोल दिया कि ये लोग असली नहीं नकली है तो मैं इन दोनों को काली माँ के मंदिर में ले जाकर दोनों की बलि चढ़ा दूंगा। गुड। अगर नकली मिला तो इन दोनों को बलि चढ़ा दोगे, और अगर असली मिला तो मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। हेलो किशोर भंडारी हियर। हेलो चाचा जी, मैं भारती बोल रही हूँ। भारती बेटी, कहाँ से बात कर रही हो तुम? मैं ऊटी से बोल रही हूँ। चाचा जी आप मेहरबानी करके पहली फ्लाइट लेकर यहाँ आ जाइए, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ, आएंगे ना? ओके ओके डोंट वरी, मैं कल ही ऊटी पहुंचता हूँ। हाँ अरे मेम साहब, ये बंद पिंजरे में शेर की तरह इधर उधर चक्कर क्यों मार रही हो? आने दो तुम्हारे चाचा को, अगर तुम्हारे माँ बाप नकली निकले ना तो जामलिया ऐसा असली रंग दिखाएगा कि बस खलास फिनिश, डोंट वरी। चाचा जी आप आ गए, शुक्र है भगवान का। भारती बेटी, तुम्हारा इस तरह बॉम्बे से उठी चला आना, फिर ये इमरजेंसी का बुलावा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सब बताती हूँ, आप आइए। तो चाचा जी, एक अनजान औरत और मर्द मेरे जबरदस्ती के माँ बाप बनकर यहाँ आए हुए हैं, पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। अच्छा हाँ, कौन है वो लोग? जामिया
उन दोनों को बुला कर ला। जी मैम साहब। आइए आइए साहब, मैदान में आपके ड्रामे का क्लाइमेक्स आ गया है, आइए अभी। भैया किशोर, मेरे भाई। भैया पैदा को भैया, कैसे भैया? भाभी जीते रहो। कैसी हो भाभी? तुम कैसे हो भैया? बस आपका आशीर्वाद है भैया। आखिर ये मामला क्या है? क्या बताऊं किशोर, देखो ना हमारी भारती को क्या हो गया है। क्या हो गया? ये कहती है हम इसके माँ बाप ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, हमारी अपनी बेटी जिसे हमने इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, आज कह रही है कि हम इसके कुछ नहीं। हाँ? इससे बड़ा सदमा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? भारती बेटी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ए बेटी, अपने माँ बाप के साथ तुम मजाक तो नहीं कर रही? चाचा जी, क्या ये मेरे माँ बाप है? भारती, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो और कौन है? चाचा जी, आप भी इन चोरों के साथ मिल गए। पैसों की खातिर आपने भी अपना ईमान बेच दिया। बेटी, तुम अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई और भाभी को पहचानने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? चाचा जी, आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ कैसा बेटी, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। बेटी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी, एक दिवाली की रात पटाखों के लिए जिद कर रही थी, मैं आधी रात के वक्त तुम्हारे लिए आतिशबाजी का सामान लेने गया, और जब तुम उन्हें जलाने लगी तो तुम्हारी बाई टांग जल गई और उस पर जख्म हो गया। तुम चीखने चिल्लाने लगी, मैं तुमको अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया, और जब तक जख्म अच्छा नहीं हुआ मैंने अपने सीने से तुम्हें एक पल के लिए जुदा नहीं किया। क्या यह झूठ है? नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सच है, लेकिन तुम मेरे बाप हो, ये झूठ है। बेटी, एक बार तुम अपने स्कूल में शहीद भगत सिंह का ड्रामा कर रही थी, तुमने अपने हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा हुआ था, एक लड़का जो अंग्रेज अफसर की एक्टिंग कर रहा था उसने तुम्हारे सर पर सचमुच लाठी मार दी और तुम्हारे माथे से खून बहने लगा, तुम जमीन पर गिर पड़ी लेकिन तुमने झंडा नहीं छोड़ा। मैं दौड़ती हुई स्टेज पर आई, तुम्हें अपनी गोद में लेकर रोने लगी, क्या ये भी झूठ है? ये भी सच है, लेकिन तुम मेरी माँ हो, ये झूठ है। भारती, जिस तरह से तुम बात कर रही हो मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं तुम ये न कह दो कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, ये भी झूठ है। ये झूठ नहीं है, मगर आप झूठे जरूर हैं। आप सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कमाल है मेम साहब, इतने सारे सबूतों के बाद तो बड़ी से बड़ी अदालत भी यही बोलेगी कि यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा बाप है, मगर मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम अभी तक ये सब मानने से इनकार क्यों करी हो? क्योंकि ये मेरा बाप नहीं है। ऐसा ना कहो बेटी, मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ जिसने तुम्हें इन हाथों में झुलाया था। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ जिसने कभी तुम्हें अपना दूध पिलाया था। भारती, तुम झूठ बोलती हो, यही तुम्हारे माँ बाप है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। All of you, get out of here! I said, get out of here! तुम सब लोग यहाँ से चले जाइए, चले जाइए, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा! Get out! I said, get out! अरे मेम साहब, क्या हो गया तुमको? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? No, I'm not mad. हाँ हाँ, तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। अगर तुम पागल नहीं हो तो अपने बाप को पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अरे कैसी बेटी हो तुम, माँ बाप सामने जिंदा खड़ा हो तुम बोलते हो मर गए? मैंने अपने पिता का खून कर दिया था, मैंने, मैंने, मैंने।
मैंने अपने पिता को इन हाथों से गोली मार दी, उन्हें जान से मार डाला। उसके बाद मेरी वो घरनाक बन गया। मैं एक पल के लिए भी वहां नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं बॉम्बे छोड़कर यहां आ गई। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर जयकिशन बोल रहा। जिस काम के लिए मैं यहां आया था सर, वो अब खत्म हो चुका है सर। हमारा शक सही निकला, भारती अपने पिता की खूनी है। जी हां सर, उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। अब फॉरन वैन भेज दीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी भारती जी, हम सब पुलिस के आदमी हैं। यह है सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर तिवारी, ये हैं सब इंस्पेक्टर मिस्टर वर्मा और हवलदार कुलकर्णी। हमें शक था कि आपने आपके पिताजी का खून किया है, लेकिन ये साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आपको हिरासत में लेने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो ये कि आप ही के मुंह से आपका जुर्म कबूल करवाएं। इसलिए हमें यह सब ड्रामा करना पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। भारती बेटी, तुमसे सच्चाई मनवाने के लिए मैंने भी वही किया जो कानून ने कहा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। अभी एक और खून करना बाकी है, उस मिनिस्टर का, जो बैठा तो है देश की कुर्सी पर, लेकिन उसके जहरीले दांत कड़े हैं देश की गर्दन पर। मैंने सोचा था कि मैं उसकी लाश गिराकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। उस वक्त तक जिंदा रहने के लिए मैंने आपको अपना रक्षक चुना था, मगर आपने मुझे कानून का कैदी बना दिया। मगर इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे मेरे इर्द गिर्द लोहे के सलाखों का पिंजरा बना दीजिए, चाहे मेरे पैरों में जंजीरें डाल दीजिए, मैंने कसम खाई है उस मिनिस्टर को खत्म करने की, और मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। भारती जी, आप तो कानून की स्टूडेंट थी, क्या आप ये नहीं जानते कि कानून को अपने हाथ में लेना कितना बड़ा जुर्म है? कानून? इंस्पेक्टर साहब, आपका कानून है ही क्या? मैं इस एक चाबी से चलने वाला खिलौना, जिसकी चाबी हर बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले की जेब में होती है, वो जब चाहे जैसे चाहे उस खिलौने को नचवा सकता है। भारती जी, आप कानून का अपमान कर रही हैं? अपमान नहीं कर रही हूँ इंस्पेक्टर, हकीकत बयान कर रही हूँ। अगर कोई गरीब चपरासी 10 रुपए की बख्शीश लेते हुए पकड़ा जाता है, तब आपका कानून उसे मुजरिम ठहराकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल देता है। मगर जब कोई मिनिस्टर लाखों रुपए की रिश्वत लेता है, करोड़ों का भ्रष्टाचार करता है, तब आपका कानून उसे कुछ नहीं कहता। अगर आप उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भी ले गए, तो वहां पुलिस स्टेशन तो होगा, मगर आपकी कुर्सी नहीं होगी। भारती जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन सभी को एक ही तराजू में तोलना भी तो ठीक नहीं। अगर आप वो सारे सबूत जो उस मिनिस्टर के मुजरिम होने का ऐलान करते हैं मुझे दे दें, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस गद्दार को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आप है ही कौन? एक मामूली इंस्पेक्टर, आप उन सबूतों को लेकर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आप उन फैलों को अपने ऊपर वाले अफसर को देंगे, वो अपने ऊपर वाले अफसर को, और वो अपने ऊपर वाले अफसर को। इसी तरह हाथ बदलते बदलते एक दिन वो फाइल उसी मिनिस्टर के हाथों में पहुंच जाएगी जिसे आज तक मैंने बचा के रखा है, और फिर वो मिनिस्टर रातों रात अपने देश को बेचकर अपना सारा पैसा विदेश के बैंकों में डालकर वहां की बर्फों में रंगरलियां मनाएगा, और यहाँ हमारा देश और भी ज्यादा गरीबी और भूख की आग में चलता रहेगा। यही होगा आपको सबूत देने का अंजाम। अगर आप वाकई मेरा साथ देना चाहते हैं, तो ये वर्दी उतार कर आइए, एक इंसान बनकर, देश का भला चाहने वाला देश प्रेमी बनकर, तब मैं उस फाइल का एक एक पन्ना आपके हवाले कर दूंगी। डूब मरो चुलू भर पानी में। तुम तो खुद को बड़े तीस मारकार समझते थे, हा? अपनी मर्दानगी की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे। लालच है तुम पे, धिक्कार है, एक औरत पर काबू नहीं पा सके, और मुझे यह खबर सुनाने आए हो कि भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शर्म नहीं आती? चाचा जी, मैंने जान तोड़ कोशिश की,
मगर उस जामलिया का इंस्पेक्टर निकल आना और भारती की अचानक गिरफ्तारी महज एक इत्तफाक था। इत्तफाक, इत्तफाक, इत्तफाक। हमने जिंदगी में सिर्फ हादसे पैदा किए हैं, इत्तफाक नहीं। आज भारती जेल में है, कल कोर्ट के कटहरे में होगी, और अगर उसका बयान अदालत में हमारे मुजरम होने की गवाही बनकर गूंजने लगा तो जानते हो हम सब पे सब फांसी के तख्ते पर होंगे। आप इशारा कीजिए, हम जेल में ही भारती की समाधि बना देंगे। नहीं, जब तक वो कागजात हमारी मुट्ठी में नहीं आ जाते, भारती का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पता लगाओ कि भारती कौन सी जेल में है, वहां का जेलर कौन है। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जयकिशन। गुड मॉर्निंग भाई, क्या बात है, आज बगैर वर्दी के ही चले आए। मैं भारती से मिलने आया। भारती? वो तो कल रात ही जेल से भाग चुकी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लगता है तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। ये देखो, खतरनाक मुजरिमा भारती जेल से फरार, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम। इतना ही नहीं, पुलिस को उसे देखते ही गोली मार देने का हुक्म भी हुआ है। मंत्री नारायण दास को शायद तुम नहीं जानती, वो हम ही हैं। भारती, कल तक तुम्हारे पिताजी हमारे पार्टनर थे, आज से तुम हमारी पार्टनर बन जाओ। बस उन कागजात और फाइल के बारे में बता दो कहाँ हैं, हम तुम्हें पूरे 50% देंगे। गद्दार! भारती! ए लड़की, ये हमारा अत्याचारी कुंड है, यहाँ गुंगों ने भी चल्ला चल्ला कर हमारे सवालों का जवाब दिया है। तुम्हारी जबान खुलवाने की चाबी है हमारे पास, ले जाओ। पिस्तौल से तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, 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 नहीं। कल सुबह के अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में यह खबर छपेगी, जेलर की आत्महत्या, मुजरिमा भारती के फरार होने के गम में जेलर ने दारू पीकर अपने आप को गोली मार ली। मुझे बड़ी बनवा, मैं सजा बता देता हूँ, बता देता हूँ। बीमा जी साहब, हमारे चानकिया को बुलाओ। चानकिया को तो आपने सोना लाने के लिए भेजा है। हाँ? हाँ। लेकिन अभी तक वो आया नहीं। सर, अभी अभी हमारे आदमी का फोन आया था कि बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा है, मुझे डर है कि कहीं चानकिया को पुलिस गिरफ्तार न कर ले। अरे नहीं, हमें किसी किस्म का डर नहीं है, बल्कि इस बात का पूरा यकीन है कि वो पुलिस को चकमा देकर खुद भी आएगा और सोना भी साथ लेकर आएगा। उसका नाम है चानकिया। अबे ओए बुड्ढे, कौन है बैठू? अरे अबे, सब क्या तमाशा है? अबे मुझसे मजाक करता है, तेरी ये हिम्मत? ए बुड्ढे, ए बुड्ढे! अबे ओ गधो बेवकूफो, इसे नहीं पहचाना? जिसने चेक पोस्ट की सारी पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी, वो है ये चाणक्या। चाणक्या? मंत्री महोदय, आप जमाने की आंखों में और कानून की आंखों में मेरे हाथों से उड़ने वाली धूल को तो देख लेते हैं, मगर क्या कभी आपने उस धूल को देखा है जो मैं आपकी आंखों में उड़ाता हूं? क्या, मेरी आंखों में धूल? मेरा मतलब विश्वास की धूल। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन बकुरदार, वो सोना कहां है? इधर। इस डोली के अंदर? डोली के अंदर नहीं, डोली के ऊपर। क्या, मैं समझा नहीं। जो अपना काम कर जाता है और किसी की समझ में नहीं आता, उसी का नाम चाणक्य है। एक मिनट। शाबाश।
जान, वेल डन चनकिया। भाई तुमने पुलिस को खूब चकमा दिया। पुलिस में एक बहुत बड़ी खामी है मंत्री महोदय, वो लोग चीज वहीं ढूंढते हैं जहाँ नहीं होती और जहाँ होती है वहाँ नहीं ढूंढते। पूरे 3 करोड़ का सोना बचा कर लाया हूँ। ये है कोई इससे बड़ी डीलिंग आपके पास? भाई चाणक्य, जब से तुमने हमें ज्वाइन किया है, हर बड़ा हाथ मारने के बाद तुमने हमेशा हमसे यही सवाल किया है कि है कोई इससे बड़ी डीलिंग आपके पास। तो आज हम तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डीलिंग बताते हैं जो तुम्हें करनी होगी। और वो क्या है? एक लड़की हमारे कब्जे में है, उसका नाम है भारती। भारती? हमारा एक बहुत जरूरी कागजात वाला बैग उस लड़की के कब्जे में है, और हमारी बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो नहीं बताती कि वो बैग उसने कहां छुपा रखा है। तुम पुलिस का घेरा और कानून का चक्रव्यूह तोड़ने में तो माहिर हो, मगर उस लड़की की खामोशी को तोड़कर हमें उस बैग तक पहुंचाओगे तब हम तुम्हारा सिक्का मानेंगे। हाँ तो ठीक है। Yeah.
विजय, और विजय, विजय मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। हाँ। यही ना, मैं तो किस्मत से बच गया भारती। तुम्हारे पिताजी की गोली लगने के बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं तुम्हारी गाड़ी में था और तुम्हारे पिताजी वो गाड़ी चला रहे थे। आधा होश और आधी बेहोशी की हालत में ना तो मैं कुछ कर सका ना ही कुछ बोल सका, और उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने मुझे गाड़ी के समेत पहाड़ी से नीचे धकेल दिया। मैंने किसी भी तरह दरवाजा खोला और अपने आप को बाहर धकेल दिया। उन्होंने समझा कि मैं मर गया हूं, लेकिन मेरी किस्मत में मरना इतनी जल्दी नहीं लिखा था। गांव के आदिवासियों ने मेरा इलाज किया और जैसे मैं ठीक हुआ मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पहुंचा, मगर वहां तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ था। इधर उधर पूछने के बाद पता चला कि तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया और तुम गायब हो। लेकिन तुम यहां इन दरिंदों के साथ? हाँ भारती, मुझे लगा इन सब घटनाओं के पीछे जरूर मंत्री नारायण दास का ही हाथ है। मेरा ख्याल था कि एक न एक दिन उसके जरिए मैं जरूर तुम तक पहुंच सकूंगा। मैंने बड़ी चालाकी से अपने आप को उसके गिरोह में शामिल किया और आज मेरा ख्याल यकीन में बदल गया जब उसने कोई बैग हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा और मुझे मेरी भारती मिल गई। अच्छा एक बात बताओ भारती, उस बैग में ऐसी कौन सी खास बात है जिसे हासिल करने के लिए वो नारायण दास इतना बेचैन है? उस बैग में नारायण दास की वतन से गद्दारी के कुछ सबूत हैं। मैंने उस बैग को ऊटी के सेंट पीटर्स चर्च के फादर फ्रांसिस को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। विजय, अगर मुझे कुछ हो गया तो उस बैग को हुकूमत तक पहुंचा के उन देशद्रोहियों को सजा दिलवाने का जिम्मा तुम्हारा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी भारती। उन कमीनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश शाबाश विजय उर्फ चाणक्या। शायद तुम ये नहीं जानते कि अगर तुम चाणक्या हो तो मैं चाणक्या का बाप हूं। हर नीति को जानता हूं इसलिए राजनीति में हूं। हाँ। जिस तरह तुमने मेरे जरिए भारती तक पहुंचने का प्लान बनाया था उसी तरह मैंने भी तुम्हारे जरिए भारती तक पहुंचने का प्लान बनाया था। इसलिए तुम्हारी असलियत को जानते हुए भी अपना मतलब निकालने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास रखा था। वो देखो, इस वीडियो कैमरा के जरिए मैं तुम्हारी तमाम बातें देख और सुन रहा था। बीमा जी साहब, इस मजनू के औलाद को भी कमरे में बंद कर दो और बाहर से ताला लगा दो और फौरन उठी फादर फ्रांसिस के पास पहुंचो। जी अच्छा। ए, तुम इस बुड्ढे को संभालो, मैं बैग ढूंढता हूं। अबे बुड्ढे, तू बोलता था ना बैग नहीं है, ये क्या है? चाहे तो तुम मेरी जान ले लो लेकिन ये बैग मत लेके जाना। अच्छा हाँ। तुझे बैग चाहिए? हाँ। ले हाँ। ले साथियों चलो। शाबाश मेरे शूरवीरों, शाबाश। मैं तुम्हारी बहादुरी और वफादारी की कदर करता हूं। अब कागजात हमारे हाथ में आ गए हैं। मैं भारती और उसके यार विजय को खत्म करने की जिम्मेदारी भी तुम ही लोगों को सौंपता हूं, और जब उन दोनों की लाशों को लाकर मेरे कदमों में डालोगे तो इसी बैग में 100-100 के बंडल भरकर मैं तुम लोगों को इनाम में दूंगा। जाओ। साहब, यही है वो इंस्पेक्टर जो जाम्बिया बनकर आया था और भारती को गिरफ्तार करके ले गया था। अच्छा हाँ, यहाँ क्या करने आया है? क्या बात है इंस्पेक्टर, यहाँ कैसे आए हो? पुलिस वहीं जाती है जहाँ मुजरिम होते हैं। मैं आपको और आपके साथियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम पागल तो नहीं हो गए इंस्पेक्टर? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर। अगर मुझे गिरफ्तार करोगे तो पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दियां उतर जाएंगी, कुर्सियां छिन जाएंगी, उनकी राज्यसभा और लोकसभा में भूचाल आ जाएगा। भूचाल तो तुम्हारी जिंदगी में आएगा नारायण दास, जो तुम्हारे जुर्म की दुनिया को हिला के रख देगा, तुम्हारे पाप की इमारत की एक एक ईंट तोड़कर मलिया मेट कर देगा।
अरेस्टन, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कटहरे में खड़ा हुआ ये मुजरिम मिनिस्टर नारायण दास मिनिस्टर नहीं, कैंसर है ये कैंसर। हमारे देश के शरीर को खाकर मुर्दा कर देने वाला जहरीला कीड़ा है ये। ओहो बच्चे, ये सारी राम कहानी छोड़ो और जल्दी से मेन टॉपिक पर आओ, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। मीटिंग में नहीं नारायण दास जी, अब आप यहां से सीधे फांसी के फंदे पे जाएंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि वो सिर्फ एक वकील हैं, जज नहीं, जो मेरे मुवक्किल को फांसी की सजा सुना रहे हैं। शांति वकील साहब, शांत हो जाइए, अभी थोड़ी देर में ये पूरा केस ही शांत हो जाएगा, आप बैठ जाइए। हाँ तो श्रीमान विजय श्रीवास्तव जी, आप अभी छोटे से बच्चे हैं, ये नया नया काला कोट पहनकर अदालत में आए हैं। आप सिर्फ कानून के झाड़ को देखते हैं, हम उनकी जड़ों तक पहुंचे हुए हैं बरखुरदार। और ये जो फांसी का फंदा हमारे गले में पहनाने के ख्वाब लिए आप घूम रहे हैं, ऐसे कई फंदे हम अपनी टोपी में लिए घूमते हैं। घूमते हैं नहीं, घूमते थे, क्योंकि अब आप मिनिस्टर नहीं हैं। इससे पहले कि अदालत आपको सजा दे, मुख्यमंत्री ने आपकी कुर्सी छीन ली है। अभी आप सांप तो हैं, आपके दांत भी हैं, मगर अब उनमें सत्ता का जहर नहीं है। जहर है या नहीं, ये तो जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर नारायण दास, ये अदालत है, यहां आपसी दुश्मनी के बारे में बोलने की इजाजत नहीं, यहां सिर्फ केस के बारे में बहस होगी। सॉरी योर ऑनर। देखा ऑनर, देखिए इस मुजरिम की जरूरत को, नारायण दास जैसे लोग जो खुद भी जुर्म करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, इन्हें मामूली सजा देना काफी नहीं होगा, इन्हें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसे सुनकर इस अदालत की दीवारों में ही नहीं बल्कि हर मुजरिम के दिल की दीवारों में दरार पड़ जाए। मैं इस अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को सजाए मौत ही मिलनी चाहिए, मगर वो सजाए मौत जेल की चार दीवारी में दो कांस्टेबल्स, एक जेलर, एक डॉक्टर और एक जल्लाद के सामने देने से कोई फायदा नहीं। इस किस्म के मुजरिम को तो भारत की 90 करोड़ जनता के सामने खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, उस जनता के सामने जिसके भविष्य को इस आदमी ने अपनी मक्कारी की तलवार से तार तार करना चाहा। इनकी सजा इस किस्म के मंत्रियों के लिए एक सबक बन जाना चाहिए जो सिर्फ गद्दारी और बेईमानी करने के लिए ही मंत्री बनते हैं। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, अदालत आपकी भावनाओं की कदर करती है, मगर हमारे कानून की किताब में किसी मुजरिम को इस तरह सरेआम फांसी देने का कोई कानून नहीं, और फिर यह हमारी सभ्यता भी नहीं है। अगर यह सभ्यता नहीं है ऑनर, तो फिर ये क्या है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा है कि काले बाजारियों और देशद्रोहियों को सड़क के सबसे नजदीक के खंभे से लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए, क्या उनके पास सभ्यता नहीं थी? और फिर ये ऑनर, कानून का तो ये असूल है कि जितना संगीन जुर्म उतनी कड़ी सजा। एक आदमी का खून करने वाले को भी चार दीवारी के अंदर फांसी, और 90 करोड़ इंसानों के खून की साजिश करने वाले को भी उसी चार दीवारी के अंदर फांसी, फिर तो ऐसी सजा को कोई मतलब नहीं रहेगा। योना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं,
कि इसे खुलेआम पब्लिक में फांसी से लटकाया जाना चाहिए और जनता को इसकी लाश पर थूकना चाहिए। मिस्टर विजय श्रीवास्तव, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी दलीलें झूठी नहीं है, फिर भी हमारे देश का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता। योनर, आजादी के इन 43 वर्षों में देश की भलाई के लिए कम से कम 62 बार ये कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया है, तो क्या नारायण दास जैसे गद्दारों को सजा देने के लिए क्या एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला जा सकता? ऑर्डर, ऑर्डर। योनर, मेरी राय में ऐसे वहशी दरिंदे और इंसानियत का दामन नोच नोच कर खा जाने वाले नासूरों के लिए ऐसा कानून पास करना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इन देशद्रोहियों के कारण हमारा मुल्क फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। फिर न जाने कितने साल लग जाएं हमें अपनी आजादी हासिल करने में, न जाने कितना खून बहाना पड़े और न जाने हमें कितने शहीदों की बलि चढ़ानी पड़े। इसलिए अदालत से मेरी प्रार्थना है कि इस नए कानून की शुरुआत नारायण दास की फांसी के साथ ही शुरू की जाए। That's all. अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई और दोनों तरफ के गवाहों के पूरे बयानात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजमा भारती देवी का अपने पिता का खून करने का जुर्म महज एक जज्बाती उबाल था जिसने एक लम्हे के लिए देश प्रेम और देश की सुरक्षा के जोश में उन्हें पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया था। अदालत इनके इस जज्बे और कुर्बानी को एहतराम की नजर से देखते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस अदालत के सामने ये भी बिना किसी शक की गुंजाइश के पूरी तरह साबित हो चुका है कि मुलजिम नारायण दास एक देशद्रोही, गद्दार और भयानक गुनहगार हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश की बल्कि अपने जलील मकसद को पूरा करने के लिए कई खून भी किए। ये अदालत उन्हें खतरनाक और घिनौना मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है, जो कि कुछ देर पहले एडवोकेट विजय श्रीवास्तव ने बड़े ठोस अंदाज में तजवीज की थी। मगर चूंकि हमारे संविधान में खुलेआम फांसी देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा ये अदालत सरकार से और संसद से पुरजोर अपील करती है कि ऐसे खतरनाक मुजरिमों के लिए ऐसा कानून पास करे, और जब ऐसा कानून पास होगा तब मुजरिम नारायण दास को जनता के बीच सजा दी जाएगी। तब तक मुजरिम नारायण दास कानून की कड़ी निगरानी में रहेंगे। शाबाश बरखुदार, शाबाश। थैंक यू। हम दाद देते हैं तुम्हारी दलीलों की, मगर इतिहास इस बात का गवाह है कि हम पॉलिटिशियन से टकराकर कोई जीता नहीं है। और बरखुदार, ये शब्द जीता के दो मतलब होते हैं, एक जीत जाना और दूसरा जिंदा रहना। तुम जैसे कीड़े मकौड़े हम जैसों से टकरा कर ना कभी जीत सकते हैं और ना कभी जी सकते हैं। आओ बाहर चलकर देख लो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें बाहर तमाशा दिखाओगे, लेकिन तमाशा तो लोग तुम्हारा देख रहे हैं, हथकड़ी में जकड़ा हुआ एक देशद्रोही मुजरिम। जरूर दिखाएंगे बच्चे, तुम्हें तमाशा देखने का शौक है ना? जज साहब ने तो हमें अदालत के अंदर मौत की सजा सुनाई थी, हम जज साहब को अदालत के बाहर मौत की सजा देंगे। Shabash! Shabash!
मुझे फांसी देंगे और वो भी पब्लिक में। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरा बाल भी बांका कर सके। मंत्री, इस देशद्रोही मंत्री को मारने की आपकी कसम पूरी हो गई और इसे खुलेआम लटकाने की, इसे खुलेआम फांसी पर लटकाने की विजय की तमन्ना भी पूरी हो गई। जे, 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 जे,